और इधर केंद्र सरकार के आम बजट पर कांग्रेस सांसद धीरज साहू ने प्रतिक्रिया दिया है और कहा है कि मोदी जी अपने चार दोस्तों को खुश करने के लिए बजट पेश किए हैं और यह सरकार सिर्फ कॉरपोरेट घराने को ध्यान में रखकर ही काम करती है। बजट को लेकर धीरज साहू से बात की दिल्ली संवाददाता अमर ने। मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धीरज प्रसाद साहू जी हैं। सर, कल केंद्र सरकार ने अपना बजट पेश किया और क्योंकि आप काफी लंबे समय से राज्यसभा में हैं, आपको अनुभव है। जो आम बजट का जो रूप होना चाहिए था वो बिल्कुल नज़र नहीं आया इस बजट से। हर क्षेत्र में इस बजट का जितना भी भर्तना किया जाए वो कम है, हर क्षेत्र में विफल है। और जो बात वहाँ पर मैं सुन रहा था, चर्चा चल रही थी, एक एक बिंदुओं पर जो जवाब दिया, जिसका जितना तारीफ करें, खड़गे जी जिन्होंने जो जवाब दिया, खड़गे जी का जितना तारीफ करें वो कम है। अभी मेरा यह सोच है कि अगर इस तरह से होते रहा तो देश को बर्बाद होने में समय नहीं लगेगा। किसानों के साथ भी अन्याय किया गया, गरीबों के साथ भी अन्याय किया गया, मीडियम वर्ग के लोग हैं उसको साथ भी दगाबाजी किया गया। अब जनता को सोचना होगा कि ऐसी सरकार से क्या फायदा जिसका आपको बर्बाद करते चला जा रहा है। तो अब जनता अगर नहीं जागेगी तो आने वाला समय, जो हिंदुस्तान का जिस तरह से तरक्की होना चाहिए था, तरक्की नहीं होगी। आप ही के साथ बैठने वाले भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि एक ऐसा बजट है जो 25 सालों तक जो है इसका फायदा मिलेगा। दूसरी बात कहा कि झारखंड सरकार को सोच लेनी चाहिए, सिर्फ विरोध करने से नहीं। बजट पेश किया गया है, उन्हीं से मेरा सवाल है कि भाई आप ही जवाब दे दीजिए कि इस बजट से कितने लोगों को फायदा हो रही है, कितनों को नुकसान हो रही है। केवल कॉरपोरेट घरानों को छोड़ करके आम जनता को इससे कोई फायदा होने नहीं जा रहा है। तो हम इस बजट का जितना हम भर्तना करें वो कम है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धीरज प्रसाद साहू जी, इनका साफ तौर से कहना है कि जो लोग भी पार्टी में आए हैं अपने हित ना देखें, पार्टी के हित को देखें। रही बात केंद्र सरकार की बजट की, तो केंद्र सरकार के इस बजट में कुछ विशेष है नहीं, सिर्फ कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाया गया है। दिल्ली से कैमरामैन शशि के साथ अमर सिंह, न्यूज 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।